ओके हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री हमने पढ़ाया था। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपका है क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसमें बताया था मैटर के बारे में, मैटर क्या है, मैटर के बारे में क्या सिद्धांत है। पहले के जो फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर, उन्होंने मैटर के बारे में क्या कहा, है ना, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया, इसके बारे में भी बताया। लेकिन मॉडर्न जो साइंटिस्ट है, उन्होंने जो क्लासिफाई किया मैटर को, वो दो प्रॉपर्टी के आधार पर किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को क्लासिफाई किया सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में। केमिकल प्रॉपर्टी जब क्लासिफाई किया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सर में। और हम मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना हुआ है, वेरी स्मॉल पार्टिकल से मैटर बने हुए हैं। इसको हमने समझा, जैसा कि मैंने पढ़ाया था आपसे, कि एक वाटर ड्रॉप जो है, सिंगल वाटर ड्रॉप हैज 10^21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ये हमने बताया था आपको। फिर एविडेंस ऑफ पार्टिकल मैटर, मैटर का पार्टिकल का एविडेंस हमने बताया था कि उसके मोशन से आता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन क्या है, द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओन। डिफ्यूजन है क्या एक्चुअली, समझना है डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन को समझना है हमको, है ना। तो डिफ्यूजन में बताया, डिफ्यूजन क्या है कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। ये डिफ्यूजन का डिफरेंस दिया कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, विभिन्न पदार्थ जो एक दूसरे से मिलते हैं उसे कहते हैं मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। मिलना है, मिलते हैं, लेकिन अपने आप मिलते हैं, अपने से मिलते हैं। इसे लिखा क्या, ऑन देयर ओन, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं, अपने से। जैसे हम चीनी डाल देते हैं, हम ग्लास में वाटर लेते हैं, उसमें चीनी डाल देते हैं, तो चीनी का पार्टिकल्स पहले नीचे जाता है और उसके बाद धीरे 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 कुछ समय लेता है और अपने आप पूरे वाटर में मिल जाएगा। उसको हम स्टीर करके जल्दी मिलाते हैं, फास्ट अगर मिक्सिंग करना हो तो स्टीर करते हैं, अगर स्टीर नहीं करेंगे तो स्लो मिक्सिंग होगा, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा। पर शुगर जो है वो अपने आप आपको ये वाटर में मिल जाएगा, तो इसी को कहेंगे मिक्सिंग, है ना, ऑफ शुगर इन वाटर ऑन देयर ओन, ऑन ओन, अपने से मिला। शुगर और सॉल्ट, मिक्सिंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन, उसको डिफ्यूजन कहेंगे। तो डिफ्यूजन से, ब्राउनियन मोशन से डिफ्यूजन, और दूसरा है ब्राउनियन मोशन, पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ब्राउनियन मोशन। ये दो प्रमाण है, एविडेंसेज हैं, जो शो करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, आर इन मोशन, मींस मैटर, जो पार्टिकल इन मैटर, मैटर के पार्टिकल के बारे में बताते हैं कि मैटर पार्टिकल से बने हुए हैं, सारे जो मैटर है संसार के, इस ब्रह्मांड के, इस संसार के जितने भी मैटर है वो सब पार्टिकल से बने हुए हैं, और वो जो पार्टिकल है मैटर में वो मोशन में रहते हैं, है ना। तो ये जो दो बातें हैं, वो दो बातें हमको जानकारी मिलती है, पता चलता है, किन बातों से, दो बातों से, पहला डिफ्यूजन, इसका डिफ्यूजन यहां लिखा, दूसरा है एक ब्राउनियन मोशन, है ना, ब्राउनियन मोशन इसको बोलते हैं, है ना, ब्राउनियन मोशन में। ये दो बातों से समझ में आती है बात कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, मैटर, ऑल मैटर, है ना, ऑफ दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ बाय स्मॉल पार्टिकल्स एंड देयर पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, मोशन में होते हैं, ये हम समझ में आ गए। हमने बताया था कि गैसेस पार्टिकल्स में मोशन फास्ट होता है, लिक्विड में स्लो होता है, और सॉलिड में बहुत ही स्लो होता है,
पर कंपन वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग स्टेट में रहते हैं मैटर के पार्टिकल्स। तो इसको समझने के लिए हमने बताया कि डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, तक कोई सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, सपोज दैट सुगर, सपोज दैट पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या है पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलेंगे, है ना पोटेशियम पर मैंगनेट, है ना, ये पोटेशियम है, पोटेशियम पर मैंगनेट, ये पोटेशियम पर मैंगनेट इसको बोलते हैं, है ना, परमैंग, है ना, परमैंगनेट पोटेशियम पर मैंगनेट, ये सब इसका अंतर है। ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल, यहाँ बीकर में वाटर लिया और वाटर में हम पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल देते हैं, क्रिस्टलाइन सबस्टांस है वो, अमॉर्फस नहीं है, क्रिस्टलाइन है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल यहाँ डाल, हम देखेंगे ये पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, कुछ देर में ये आपको पोटेशियम परमैंगनेट का जो ये कलर जो होता है पर्पल कलर होता है, तो ये वाटर जो ये कलरलेस है वो धीरे धीरे ये पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा, टोटल वाटर पर्पल कलर में चेंज, ये पर्पल कलर है ना, ये पर्पल कलर इसको बोलते हैं आपको, ये पर्पल कलर में चेंज होगा, है ना, पर्पल कलर में संपूर्ण वाटर पर्पल कलर में चेंज होता है, कुछ देर के बाद देखेंगे सारा पानी ही पर्पल कलर होगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट खुल जाएगा, हो जाएगा पर्पल कलर्ड वाटर। ठीक है, नहीं नहीं अभी रुकिए ना कुछ देर, कितना देर हुआ, 8 मिनट रुकिए, तो 3 मिनट गई ना बाहर, बनाइए ना, निकलिए निकलिएगा। So in this experiment, we see that when